हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनिका फूड रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ रसगुल्ला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी मिल्क पाउडर से। ये बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको इसमें डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा कि ये काउ मिल्क से बना है या फिर मिल्क पाउडर से। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। इसके बाद मैं इसी कप से मेजर करके यहाँ पर 3 कप इसमें पानी डाल देती हूँ। इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑन करके इसे धीरे धीरे चलाते हुए हमें इसे इस तरह से गर्म करना है जब तक कि ये मिल्क पाउडर अच्छी तरह से इसमें मिल ना जाए। तो देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है, तो दूध को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर दूध हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम विनेगर का पानी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी लिया है इस कप में। उसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच विनेगर डाल देती हूँ। इसके बाद हम इसे डालकर मिला लेंगे। तो यहाँ पर विनेगर का पानी रेडी हो चुका है, तो चलिए हम दूध को चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ दूध को गर्म किया है, इसे बॉयल नहीं किया है मैंने। तो हम इसमें विनेगर का पानी डालकर इसे फाड़ लेंगे दूध को। तो आप इस पानी को तब तक डालें जब तक अच्छी तरह से इसमें से छेना और पानी दोनों अलग ना हो जाए। तो यहाँ पर दूध को फाड़ने के लिए आप विनेगर के जगह नींबू भी ले सकते हैं, लेकिन नींबू आप इसमें ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो ये खट्टा हो जाता है छेना इसका। तो देखिए दूध हमारा फट चुका है और जो छेना का पानी है वो भी अलग हो गया है। तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। तो इसे छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन के ऊपर कॉटन का कपड़ा इस तरह से रख लिया है। तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। तो यहाँ पर छेने को मैंने छान लिया है, तो मैं यहाँ पर 1 गिलास नॉर्मल पानी से इसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ ताकि जो विनेगर का स्मेल है वो थोड़ा निकल जाएगा। और इसे हम इस तरह से हाथों से दबाकर इसका पानी, एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल लेंगे। एक छन्नी रखकर हम इसके ऊपर छेने को रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, तो मैं यहाँ पर 2 कप इसमें चीनी डाल देती हूँ। इसके बाद इसी कप से मैं मेजर करके इसमें 5 कप पानी डाल देती हूँ। और इसे हम थोड़ा मिला लेते हैं और उसके बाद हमें इसे छोड़ देना है जब तक कि चीनी घुल ना जाए। तो यहाँ पर छेने का पानी अच्छी तरह से निकल चुका था, तो देखिए मैं इसे निकाल लेती हूँ 1 प्लेट में छेने को। तो आपको छेने का पानी जो है वो ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना है, नहीं तो ये सूखा हो जाएगा तो जो रसगुल्ला है वो हमारा स्पंजी नहीं बनता है। तो चलिए हम इसे तोड़ लेते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से तोड़ लिया है, तो चलिए हम इसे एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद हमें देखिए इस हथेली का जो ये पोर्शन है यहाँ से हमें अच्छी तरह से इसे मलना है इस छेने को ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए।
तो इस छेने को हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो ये स्पंजी नहीं बनते हैं। इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए। तो देखिए इसे मलते हुए मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट हो गया है और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। आपको इसे ज़्यादा मलना भी नहीं है, नहीं तो ये ड्राई हो सकते हैं। तो देखिए इसे मलकर हमें कुछ इस तरह का करना है। ये देखिए कितना चिकना हो चुका है। तो चलिए हम इसे रोल कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद एक चाकू लेकर हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे कट कर लेने से रसगुल्ले जो है वो सभी एक साइज के बनते हैं। तो हम हाथों में इस तरह से छेने को लेकर हम इस तरह से इसे रोल कर लेंगे और इसे स्मूथ कर लेना है और बिल्कुल इसमें क्रैक नहीं रहनी चाहिए, ये देखिए। तो चलिए हम इसी तरह से सारे रसगुल्ले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए शुगर सिरप बॉयल हो रहा है, तो चलिए हम इसमें 4 इलायची डाल देते हैं कूटकर। ये देखिए कितने अच्छे से ये बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पे हमें इसमें रसगुल्ले को डाल देना है और गैस का फ्लेम जो है वो हाई रखना है। तो रसगुल्ले को हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही पकाना है। तो चलिए सभी रसगुल्ले को डाल देते हैं और इसे 10 मिनट तक हम पका लेंगे। तो चलिए हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी से ये फूल रहे हैं। तो हम इसे इस तरह से पलट लेंगे रसगुल्ले को, लेकिन गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल आपको हाई ही रखना है और हम इसे ढककर फिर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी से इसमें झाग आ रहा है, यानी कि रसगुल्ला हमारा बिल्कुल पक चुका है। ये झाग आने का मतलब है कि ये बिल्कुल स्पंजी और अच्छी तरह से रसगुल्ले हमारे पक चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ये देखिए रसगुल्ले हमारे कितने अच्छे गोल गोल हुए हैं। तो हम इसे ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे। तो ये देखिए रसगुल्ले हमारे कितने स्पॉन्जी और बिल्कुल गोल गोल बने हैं। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि मिल्क पाउडर से इतने अच्छे रसगुल्ले बन सकते हैं। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक रसगुल्ले को कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने स्पंजी बने हैं ये रसगुल्ले। देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं, किसी के भी मुँह में देख कर पानी आ जाएगा इस रसगुल्ले को। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।